लेकिन सर आज जब इस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं तो आपको ये समझना होगा, करोड़ों लोग आपको देख और सुन रहे हैं। आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कहते हैं सर, लेकिन करोड़ों लोगों को बता आपका जस्टिफिकेशन सर गलत बातों को सही ठहराना वो आपको सही नहीं बनाता सर, वो आपको सही नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं सर, वो आपको सही नहीं बनाता भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहीं पर आप मुझसे ये कहते हैं कि कालीचरण साधु संत से गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल आपकी नजर में सही है क्या? एक साधु संत की वो भाषा हो सकती है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। किया तो वो उनके अपने विचार थे, वही मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले ही थे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, तोहीन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। गिरफ्तारी नहीं हो सकती जिस तरह से आपने गिरफ्तारी की, आपने मुकदमा कायम कर लिया। जब आप इस डिस्कशन के बाद बैठे तो थोड़ा सा मंथन जरूर करें, आप मंथन जरूर करें जिस बात के लिए आप दूसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहीं आप भी तो वही गलती नहीं दोहरा रहे जिस बात के लिए आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं? कहीं उसी बात के लिए आप पर भी उंगली नहीं उठ रही? एक बात समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, जिहादियों से लड़ने के लिए हिंदू तैयार है, जिस तरीके से राहुल जैसी मानसिकता से लड़ने के लिए हिंदू तैयार है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने बात रखी है, समझ आ चुकी है कि इस देश में लॉ मशीनरी फेल हो चुकी है सर। अब भी आंखें नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी सर? अभी मैं पूछ रही हूँ, जिन पर जिम्मेदारी है उन्हीं से पूछूंगी ना, अब उनसे पूछूंगी। जब चाहो कत्ल कर लो सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आप सुन रहे हैं ना सर, वाजपेयी जी? जी जी बोलिए जी। तो देश में तो लॉ मशीनरी फेल हो चुकी है, इनके हिसाब से तो नहीं, कुछ फेल नहीं हुआ। मैं तो पूरी चर्चा सुन रहा था अदिति जी। देखिए मैं अदिति जी आपको एक बड़ी फिर से रोचक चीज बताता हूं। हमारे यहां पर हम भूपेश बघेल को और दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, यूपी के हो रहे हैं। तो इन लोगों ने चुपचाप एक जाल फैलाया, इन्होंने एक घटना को कारित कराया, और मजे की बात देखिए वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं और गिरफ्तारी कर रहे हैं आके मध्य प्रदेश में। तो आप देखिए ना, ये ओवर रिएक्शन है। तो ये जो आपके नीचे चल रहा है ना, ये 100% सियासी ड्रामा है। नहीं नहीं, आप सियासी ड्रामा कह रहे हैं सर, लेकिन अभी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो बातें रखी वो बहुत सीरियस सवाल खड़े करती है सर। इस देश में माइनॉरिटी भी सेफ नहीं है, इस देश में मेजोरिटी भी सेफ नहीं है, तो किसी की जिम्मेदारी होगी? दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई किसी की जिम्मेदारी होगी ना? या ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए लोग हैं, या ये सिर्फ नैरेटिव ही सेट करेंगे? और सर आपसे एक और सवाल है मेरा, बीजेपी तो ये कह रही है, सुन लीजिए सर, आपकी पार्टी ये कहती है गांधी को गाली देने वालों के साथ नहीं है, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल को आप सुनिए और मुझे बताइए वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं। सुनिए सर, गांधी जी के मामले में जो सहिष्णुता के पुजारी थे, वो तो उनका तो कहना होता था कि हमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी हमको, और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की कार्यवाही करना ये मुझे लगता है कि विधि सम्मत नहीं है। वाजपेयी जी, वैसे आपको बता दूं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी सोशल मीडिया पर कालीचरण की गिरफ्तारी के खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं सर, आपकी पार्टी कहां है? देखिए अदिति जी, मैं किसी ट्रैप में नहीं आने वाला। हम लोग बहुत फोकस्ड हैं यूपी को लेकर, और ये जो भूपेश बघेल ने जो जाल फेंका है, ये फेंका इसीलिए गया है कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर सारी राजनीति जो हो रही है वो सड़कों की हो रही है, एम्स को लेकर हो रही है, रेलवे स्टेशन को लेकर हो रही है, तो इसको कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि उनको कोई घुसने नहीं दे रहा। चौथे नंबर वो इंचार्ज है, आपको बता दूं भूपेश बघेल जो उनकी चुनाव की जो पूरी यूपी का चुनाव है उसके इंचार्ज है। तो अच्छा, ये घटना मध्य प्रदेश में करते तो भूपेश जी यदि उस संत समाज में होते वो हम उनको गिरफ्तार कर लेते। नहीं तो सर, वो तो छोड़िए, आप उन्होंने जो खेल किया है वो बहुत उचित खेल किया, और हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। नहीं है, आप उस जाल में फंसेंगे भी कैसे सर? आप लोगों की परिपक्वता के बारे बिल्कुल नहीं फंसने वाले सर, और क्योंकि राहुल बाबा इटली चले गए, परिपक्वता के बारे में किसी को डाउट थोड़ी, राहुल बाबा इटली चले गए, हम यहीं पर हैं सर। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो बोल रहे हैं, मैं उस पर आपके, और हम विकास की राजनीति ही करेंगे। हाँ सर, आप विकास राजनीति कीजिए, बहुत जरूरी है। मैं अदिति जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है, वही राजनीति जरूरी है। लेकिन ये जो हिंदू हिंदुत्व तुष्टीकरण, ये जो डिबेट होती है ना सर, अच्छा ये क्यों होता है? नहीं, मैं आपको एक और बड़ी रोचक चीज बताता हूँ। जितेंद्र नारायण, मैं बता रहा हूँ, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। डिस्कशन में आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? अदिति जी, आप सुनना नहीं चाह रही मुझे, मतलब एक त्यागी जी भी दबा रहे, दूसरे भी दबा रहे मुझे, मेरी सुन तो लीजिए।
हाँ मैं बता रहा हूं ना, मुद्दे पे बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस भगवा को इतना बदनाम करना चाहती है कि एक डिवाइड क्रिएट करना चाहती है। तो जहां कहीं भी उसको ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो वो इस घटना को कारित करती है। तो ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से जिससे हिंदुओं और हिंदुत्व को गाली पड़े अल्टीमेटली, ये करने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम इनके ट्रैप में नहीं आए। हमारा तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है कि गांधी जी के बनाए संविधान जो है अम्बेडकर साहब के, उसका उल्लंघन भूपेश जी कर रहे हैं। तो ऐसा करके क्या आप गांधी जी को बड़ा श्रद्धांजलि दे रहे हैं ठीक तरीके से? आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की। अच्छा मजे की बात है, दो दो मंत्री आपके चैनल पे बोल रहे हैं। मतलब सिंहदेव साहब ऐसा बोलते नहीं है? नहीं, वो तो जो ठीक है, प्रोटोकॉल हुआ, उल्लंघन हुआ, प्रक्रिया उल्लंघन हुई हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं चर्चा इस पे हो, इस पे नहीं हो कि एक असंवैधानिक तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री काम कर रहा है, जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है। मुझे फिर से सवाल पूछने दीजिए, आपको तो बहुत कुछ दिलचस्प में दिखाई दे रहा है। सीधा सवाल कर दूं मैं आपको? सर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं आपसे सीधा सवाल सीधा जवाब दे रहा हूं कि हाँ, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने देश का संविधान तोड़ा है, उन्होंने दूसरे राज्य में जाकर उसके लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप करी, क्या है वो भी कानून सम्मत किया जाना चाहिए था या नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? भाई मुझे बताइए अदिति जी, मैं तो अपने ओपनिंग में कह चुका हूं कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है न्याय प्रक्रिया से गुजरेगा। आपने कौन सी बड़ी बात गुजर जाएगा? यही भूपेश बघेल को भी गुजारी है। ठीक है सर, लेकिन जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा, मैं भूपेश बघेल को क्यों नहीं गुजारना चाहती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से सवाल का जवाब चाहती हूँ। इस देश में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो माइनॉरिटी की तरफ से दावा करते हैं कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है, या इस डिस्कशन में बैठकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कह रहे हैं मेजोरिटी सेफ नहीं है, तो फिर हर कोई तो इस देश में विक्टिम ही है सुबोई खान जी। जी अदिति, सबसे पहले तो मैं आत्मरक्षा और हिंसा में फर्क बताना चाहती हूँ। संविधान की बात हो रही थी, मैं एक वकील होने के नाते एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आत्मरक्षा एक लीगल राइट भी है और एक ह्यूमन राइट भी है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आत्मरक्षा सिर्फ तब एक्सरसाइज होती है जब कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा हो, और जितने समय तक आपके ऊपर वो खतरा मंडरा रहा हो उस समय तक आप अपनी रक्षा के लिए जो करते हैं वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये कह देना कि इन मुसलमानों से हमें लड़ना है, ये आत्मरक्षा नहीं है, ये एक संप्रदाय के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए प्रेरित करना है। और कुछ पॉलिटिकल हिंदूज अदिति हिंदुइज्म को, हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं, शायद ये नहीं जानते कि हिंदू संस्कृति में शौर्य बोध से पहले धर्म बोध आता है, कर्तव्य का पालन करना आता है, कि आपको क्यों शस्त्र उठाना है और किसके ऊपर शस्त्र उठाना है। क्षत्रिय वही है जो जानता हो कि कब तलवार उठानी है, जिसके अंदर मानवीय गुण जिंदा हो। हर वक्त तलवार लेके हवा में घुमाने वाला क्षत्रिय नहीं होता, भाषा जाति क्षेत्र संप्रदाय के नाम पर लोगों को मारने वाला क्षत्रिय नहीं होता। रावण से लड़ते लड़ते हमें रावणी नहीं हो जाना है भाई, हमें समझने नारायण सिंह त्यागी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने से पहले शास्त्रों को समझिए जी।